डिस्कस करते हैं थ्योरम जिसमें आपके पास गिवन क्या है कि जी एक ग्रुप है जी क्या है एक ग्रुप गिवन है सो so, आपके पास इक्वेशंस भी गिवन है ए एक्स इक्वल टू बी एक इक्वेशन ये गिवन है सेकंड गिवन है वाई ए इक्वल टू बी ये इसी तरीके से जैसे आपके पास होती है इक्वेशन टू एक्स इक्वल और मान लो कि आपके पास है वाई इंटू तो ये उसी तरीके से इक्वेशन है आपके पास तो प्रूफ आपको क्या करना है कि इनका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है कि दे प्रोसेस की द इक्वेशन क्या इनका यूनिक सोल्यूशन होगा सो so, सबसे पहले हम प्रूफ शुरू करते हैं प्रूफ में हमें क्या पता है कि जो ए एलिमेंट है वो जी से बिलोंग करते हैं जी से बिलोंग करते, तो करते हैं तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी से तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स आपके पास e के इक्वल होगा अब हम इक्वेशन पे मूव ऑन करते हैं हमारे पास इक्वेशन है, मतलब है कि लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी तो एनवर्स इंटू ए किसके इक्वल बनेगा ये बनेगा e के इक्वल तो ये बनेगा इन इक्वल टू ए इनवर्स बी और आइडेंटिटी को अगर किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी ठीक है और हमें पता है कि ए इनवर्स इन बी किससे बिलोंग कर रहे है वो जी से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब जो इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी है ये हैज अ सोल्यूशन इन द ग्रुप जी तो इसका सोल्यूशन है आपके पास ग्रुप में मान लेते हैं कि आपके पास इसका जो सोल्यूशन है वो यूनिक नहीं है इसके दो सोल्यूशन है लेट ए एक्स इक्वल टू बी जो ये इक्वेशन है दिस इक्वेशन हैज है सोल्यूशन नहीं है बल्कि दो सोल्यूशन है मान लेते हैं वो X1 और X2 दो है तो आपके पास क्या लिखा जाएगा ए एक्स वन इक्वल टू बी एंड ए एक्स टू इक्वल टू बी सो यहां से आप लिख सकते हो एक्स वन इक्वल टू ए एक्स टू और प्री मल्टीप्लाई लेफ्ट कैंसिलेशन से आप कर सकते हो कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टूवल आ गया तो हमारी यहाँ पे एजम्शन गलत होगी हमने माना था कि इसके दो सोल्यूशन है फाइनली हमारे पास आप आगे फॉर द सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ वट दोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी दैट हैज अक सोल्यूशन इन दैट हैज अक सोल्यूशन इन जी तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा ग्रुप में तो ये एक इंपॉर्टेंट थियोरम है सिमिलर लाइंस पे आप प्रूफ कर सकते हो कि जो आपके पास वाई ए इक्वल टू बी है उसका भी यूनिक सोल्यूशन होगा सिमिलर लाइंस पे बस इसमें आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए इी इंटू ए इनवर्स के किसके इक्वल आ जाएगा बी इन टू ए इन्वर्स के इक्वल आ, आ जाएगा ये आपके पास तो छोटा सा क्वेश्चन था ये थ्योरम थी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ते रहिए सीखते रहिए अभ्यास हाँ कुल क्लासेज के साथ